प्रदेश में भले ही मॉनसून रुखसत होने की कगार पर है, लेकिन भारी बारिश से सड़कें धंसने व भूस्खलन से नुकसान होने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार देर शाम राजधानी शिमला में लगभग 6:30 बजे लॉन्गवुड से आरकेएमवी की ओर बनाए गए वन वे मार्ग पर अचानक भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में 2 वाहन और 1 स्कूटी मलबे में दब गए। मलबे में दब जाने के कारण बुरी तरह से वे क्षतिग्रस्त हो गए। शाम को सड़क पर आए मलबे को हटाकर मार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया गया और मलबा गिरने से अभी भी इस जगह पर पत्थर गिरने का खतरा बरकरार है। आज सुबह पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों द्वारा वाहनों को मलबे से निकालने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु जेसीबी न आने के कारण कर्मचारियों को वाहन मलबे से निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार को राजधानी में भले ही बारिश नहीं हुई, लेकिन गत दिनों में लगातार जारी वर्षा के दौर के कारण मिट्टी की पकड़ ढीली हो गई है और जिस कारण से भूस्खलन हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी टूटीकंडी बाईपास पर रामनगर के समीप भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। राजधानी शिमला में वर्षा की रफ्तार के बाद भी भूस्खलन का दौर जारी है।